दोस्तों स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बिहार के टॉप बड़ी न्यूज को देखेंगे। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि आप इस वीडियो को एक प्यारा लाइक जरूर कर दें और साथ ही हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आप बिहार के किस जिले में रहते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। आज की पहली खबर में देखिए, छठ महापर्व का आखिरी दिन आज उगते हुए सूर्य को दिया गया अर्घ, पारण के बाद संपन्न हुआ 36 घंटों का निर्जला व्रत। जी हां देखिए, 28 अक्टूबर से शुरू हुए छठ महापर्व का आज आखिरी दिन है। लोक आस्था के महापर्व छठ को लेकर पूरे राज्य में उत्साह चरम पर रहा है। आज सोमवार की सुबह छठ व्रती और श्रद्धालु उदमियान भगवान भास्कर को अर्घ दिए। इसके साथ ही चार दिनों तक चलने वाला सूर्योपासना का पर्व छठ संपन्न हो गया। आपको बता दें कि भगवान सूर्य को अर्घ देने के लिए पटना सहित अन्य जिलों के सभी घाटों पर अगले सुबह से ही लोगों की भीड़ जुटने शुरू हो गए थे। वहीं कई घाटों पर रात से भी व्रती रुके रहे थे। साथ ही आपको बता दें कि आज उगते हुए सूर्य को अर्घ देने के साथ यह महापर्व संपन्न हो गया। इसके बाद व्रती अपने घरों पर पारण यानी कि व्रत खोलना प्रारंभ करेंगे। बड़ी खबर में देखिए, गुजरात में ब्रिज टूटने से 100 लोगों की मौत, 70 से ज्यादा घायल, बीजेपी सांसद की फैमिली के 12 लोगों की जान गई। जहां देखिए गुजरात के मोरबी में रविवार शाम करीब 6:30 बजे केबल सस्पेंशन ब्रिज टूटने से करीब 400 लोग मच्छु नदी में गिर गए। हादसे में 100 लोगों की मौत हुई है। इनके शव मोरबी के सिविल हॉस्पिटल में पहुंचा दिए गए हैं। मरने वालों में 50 से ज्यादा बच्चे और महिलाएं हैं। 70 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। 100 लोगों की तलाश अभी भी जारी है। पीएम नरेंद्र मोदी इस समय केवड़िया में है। बताया जा रहा है कि वे और भी जाएंगे। वहीं देखिए, हादसे के कारणों के जांच के लिए 5 सदस्यीय एसआईटी बनाई गई है। हादसे में राजकोट के भाजपा सांसद मोहन कुदरिया की फैमिली के 12 लोगों की जान भी चली गई है। वहीं देखिए, मामलों में ब्रिज के मैनेजमेंट टीम पर कई धाराओं में केस भी दर्ज किया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पुल पिछले 6 महीने से बंद था। हाल ही में करीब 2 करोड़ रुपए लागत से इसके मरम्मत का काम पूरा किया गया था। दिवाली के एक दिन बाद यानी 25 अक्टूबर को इसे आम लोगों के लिए खोल दिया गया था। जिला प्रशासन ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया है। इसके अलावा घायलों के इलाज के लिए मोरबी और राजकोट हॉस्पिटल में इमरजेंसी वार्ड भी बनाया गया है। वहीं आपको बता दें कि ब्रिज की क्षमता करीब 100 लोगों की थी, लेकिन रविवार को छुट्टी होने के चलते इस पर करीब 500 लोग जमा थे। यही हादसे की वजह बना है। वहीं देखिए, हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने दुख जताया है। उन्होंने सीएम भूपेंद्र पटेल से घटना की जानकारी ली और मृतकों के आश्रितों को 2 लाख और घायलों को 50,000 रुपए की सहायता देने का ऐलान किया है। वहीं देखिए, सीएम पटेल ने भी बताया कि राहत और बचाव कार्य जारी है। पटेल ने भी मृतकों के आश्रितों को 4 लाख और घायलों को 50,000 देने की घोषणा की है। बड़खर में देखिए, बिहार के जेलों में कैदियों ने दिया अस्तचल गामी भगवान सूर्य को अर्घ्य। 838 कैदी कर रहे हैं महापर्व छठ। जहाँ देखिए, लोक आस्था का महापर्व छठ का आज आखिरी दिन था। आज अस्तचल गामी भगवान सूर्य को अर्घ्य दिया गया। बिहार के जेलों में बंद कई बंदी भी इस बार छठ व्रत कर रहे थे। आज कुल 838 कैदियों ने भी इस उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया। इनमें 361 महिलाएं और 476 पुरुष शामिल है। आपको बता दें कि पटना के बेउर जेल में 22 बंदियों ने भगवान सूर्य को अर्घ्य दिया। वह मुजफ्फरपुर जेल में सबसे ज्यादा 169 बंदी छठ व्रत कर रहे थे। सीतामढ़ी में 117, मोतिहारी में 112, दरभंगा में 85, मुंगेर मंडल कारा में 16, कटिहार में 12, लखीसराय मंडल कारा में 4, सासाराम मंडल कारा में 9 बंदी व अन्य जेलों में भी बंदी इस बार छठ व्रत कर रहे थे। इनमें महिलाएं और पुरुष दोनों शामिल है। अगली बड़ी खबर में देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अस्तचल गामी भगवान सूर्य को दिया अर्घ, बेड़े निशान भी रहे मौजूद। जब देखिए, लोक आस्था महापर्व छठ का आज आखिरी दिन है। आज के दिन छठ व्रतियों ने अस्तचल गामी भगवान सूर्य को अर्घ दिया और पूरे परिवार की खुशहाली की कामना की। वह देखिए, इस मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी अपने आवास में परिवार के सदस्यों के साथ भगवान सूर्य को अर्घ दिया। वह देखिए, लोक आस्था के महापर्व छठ के मौके पर निशांत ने भी भगवान सूर्य को अर्घ दिया। वही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अर्घ देते हुए प्रदेश वासियों के सुख शांति और समृद्धि की कामना की। बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के भाभी और भतीजे छठ व्रत करती है। बड़ी खबर में देखिए, छठ महापर्व के बाद प्रदेश वासियों को वापसी के लिए 36 पूजा स्पेशल 1 से 13 नवंबर तक चलेगी। जहाँ देखिए, बड़ी खबर है, बिहार से प्रदेश वासियों को वापसी के लिए पूर्व मध्य रेलवे 1 से 13 नवंबर के बीच 36 छठ महापर्व स्पेशल ट्रेन का परिचालन करेगा। वहीं देखिए, इसकी शुरुआत 1 नवंबर से की जाएगी। 13 नवंबर तक स्पेशल ट्रेन का परिचालन होगा। वहीं देखिए, CPRO वीरेंद्र कुमार के मुताबिक यात्रियों की बढ़ती हुई भीड़ को देखते हुए स्पेशल ट्रेनों की संख्या बढ़ाई गई है। वहीं देखिए, छठ महापर्व के बाद रेल यात्रियों को सुगम और सुविधाजनक यात्रा मुहैया कराए जाने के मद्देनजर पूर्व मध्य रेल के विभिन्न स्टेशनों से नई दिल्ली, हावड़ा, मुंबई, अमृतसर, कोटा आदि स्टेशनों के लिए पूजा स्पेशल ट्रेनों का परिचालन किया जा रहा है। मैं आपको बता दें कि 1 नवंबर को पटना, दानापुर, गया, दरभंगा से खुलने वाली छठ स्पेशल ट्रेनों में पाटलिपुत्र इंदौर स्पेशल, पटना नई दिल्ली फेस्टिवल राजधानी स्पेशल, पटना दिल्ली स्पेशल, पटना अहमदाबाद स्पेशल,
दानापुर रानी कमलावती स्पेशल, दानापुर कोटा स्पेशल, दानापुर आनंद विहार टर्मिनल सुपरफास्ट स्पेशल, दरभंगा दिल्ली स्पेशल, दानापुर छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल अनारक्षित सुपर फास्ट स्पेशल है। देखिये 2 नवंबर को दानापुर से जाने वाले स्पेशल ट्रेनों में दानापुर रानी कमलापति स्पेशल, दानापुर आनंद विहार स्पेशल, दानापुर पुणे स्पेशल, 3 नवंबर को खुलने वाली 6 स्पेशल ट्रेनें पटना नई दिल्ली फेस्टिवल राजधानी स्पेशल, पटना सिकंदराबाद स्पेशल, पटना पुरी स्पेशल, पटना आनंद विहार स्पेशल, दानापुर पुणे अनारक्षित सुपरफास्ट स्पेशल, वहीं दानापुर छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल अनारक्षित सुपरफास्ट स्पेशल शामिल है। बड़ी खबर में देखिए बीजेपी उम्मीदवारों के लिए चुनाव प्रचार करेंगे चिराग पासवान, अमित शाह से मुलाकात के बाद किया ऐलान। जब देखिए लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने रविवार को ऐलान कर दिया कि उनकी पार्टी बिहार विधानसभा की 2 सीटों मोकामा और गोपालगंज के लिए होने वाले उपचुनाव में भाजपा के उम्मीदवारों का समर्थन करेगी और भी भगवा पार्टी के प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार करने के लिए इन दोनों विधानसभा क्षेत्रों का दौरा करेंगे। देखिए शनिवार को दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करने के बाद रविवार को पटना एयरपोर्ट पहुंचे चिराग पासवान ने मीडिया के साथ बातचीत के दौरान ये बात कही है। देखिए इसके पहले लोक जनशक्ति के प्रदेश इकाई के प्रमुख राजू तिवारी ने शनिवार को कहा था कि उनकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग की ओर से भाजपा उम्मीदवारों के लिए प्रचार करने के संबंध में कोई निर्देश प्राप्त नहीं हुआ है। हालांकि रविवार को दिल्ली से यहां पहुंचे चिराग ने सीटों के होने वाले उपचुनाव में भाजपा के उम्मीदवारों का उनकी पार्टी द्वारा समर्थन किए जाने की घोषणा कर दी है। बड़ी खबर में देखिए नीतीश के बाद अब मांझी भी आउट, उपचुनाव में आरजेडी के लिए नहीं करेंगे प्रचार। जहां देखिए बिहार में मोकामा और गोपालगंज विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने वाला है, इसको लेकर जहां एक तरफ तेजस्वी यादव प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं तो वहीं दूसरी ओर उन्हें अपने ही सहयोगी दलों का समर्थन नहीं मिल पा रहा है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पेट में चोट का हवाला देते हुए चुनाव प्रचार से दूरी बना ली थी, तो वहीं अब हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के प्रमुख जीतनराम मांझी ने भी तेजस्वी को दूसरा झटका दे दिया है। वजह नीतीश के बाद अब प्रचार से मांझी भी आउट हो गए हैं। हम के प्रवक्ता दानिश रिजवान ने खुद इस बात की जानकारी दी है। जीतनराम मांझी आरजेडी के लिए प्रचार करने नहीं जाएंगे, उन्होंने इसके लिए मांझी के स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया है। हालांकि हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सुमन दोनों जगहों पर महागठबंधन के लिए उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार करने जाएंगे। बड़ी खबर में देखिए बिहार में अगले वर्ष तक बिजली चोरी पर लग जाएगा फुल स्टॉप, जाने विद्युत विभाग ने ऐसा क्या क्या इंतजाम। जी देखिए बड़ी खबर, बिहार में अगले वर्ष तक बिजली चोरी पर लगभग फुल स्टॉप लग जाएगा, बिहार विद्युत विभाग ने इसकी तैयारी कर ली है। दरअसल मार्च 2023 तक राज्य के सभी 11 केवी फीडर पर बिजली मीटर लग जाएंगे। इसके साथ ही मोहल्ले में लगे 5 लाख डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर पर भी दिसंबर 2023 तक मीटर इंस्टॉल कर दिया जाएगा। इससे बिजली चोरी पर लगाम लगेगी, जिसका फायदा बिजली कंपनी के साथ उपभोक्ताओं को भी होगा। मैं आपको बता दें कि इसके लगने से बिजली खपत का सही आंकड़ा सामने आ सकेगा। इसके आधार पर कंपनी बिजली चोरों के खिलाफ छापेमारी करेगी। चोरी रोकने पर बिजली और सस्ती होगी, जिसका लाभ आम उपभोक्ताओं को होगा। बड़ी खबर में देखिए बिहार में दस्त और बुखार समेत 33 बीमारियों पर होगी स्टडी, स्वास्थ्य कर्मियों को मिलेगी ट्रेनिंग। जी देखिए बड़ी खबर, बिहार में दस्त और बुखार समेत 33 प्रकार की बीमारियों की प्रकृति का अध्ययन होगा। इसकी गुणवत्तापूर्ण रियल टाइम रिपोर्टिंग की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग ने इसके लिए राज्य एवं जिला स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने का फैसला लिया है। वहीं देखिए इससे संचारी रोगों के ऊपर नियंत्रण रखने और आपात स्थिति में निपटने में सुविधा होगी। वहीं देखिए राज्य निगरानी पदाधिकारी के अनुसार रोगों के सर्वेक्षण को गुणवत्तापूर्ण बनाने का निर्णय लिया गया है। सूत्रों अनुसार राज्य में बीमारियों का सर्वेक्षण के दौरान संचारी रोगों की प्रकृति के भी विस्तार की जानकारी ली जाएगी। वहीं बिहार में अब तक सामान्यतः रोग विशेषज्ञ की जानकारी ली जा रही थी। बड़ी खबर में देखिए पटना से देवघर की सीधी फ्लाइट की होगी शुरुआत, डीसीजीए से मिला स्लॉट, रांची के लिए अब 2 सूरत के लिए डायरेक्ट फ्लाइट। जहाँ देखिए वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने वाले तीर्थ यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। पटना एयरपोर्ट से देवघर एयरपोर्ट के लिए सीधी फ्लाइट शुरू होने वाली है। इंडिगो ने इस सेक्टर की फ्लाइट के लिए डीसीजीए से स्लॉट ले लिया है। यही नहीं पटना एयरपोर्ट की ओर से 12 जोड़ी विमानों का भी जो विंटर शेड्यूल जारी किया गया है उसमें भी देवघर पटना देवघर सेक्टर के बीच इंडिगो की फ्लाइट चलेगी। आपको बता दें कि पटना से देवघर की यात्रा यानी कि 200 किलोमीटर की दूरी तय करने में करीब 25 मिनट का समय लगेगा। इंडिगो के सूत्रों के अनुसार स्लॉट मिल गया है, शुरू होने में अभी वक्त लगेगा। उधर ममता टूर एंड ट्रेवल्स के मैनेजमेंट कुमुद रंजन ने बताया कि इस फ्लाइट की बुकिंग अभी शुरू नहीं हुई है। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि पटना से स्पाइस जेट के सूरत के बीच भी सीधी उड़ान शुरू होने वाली है। पटना से सूरत के बीच पहले भी फ्लाइट थी पर बीच में बंद हो गई थी। पटना से रांची के लिए अब 2 फ्लाइट हो गई है, पहले एक थी। विंटर शेड्यूल 30 नवंबर तक प्रभावी रहेगा।
बड़ी खबर में देखिए, पीएम मोदी ने देश को दी C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट प्लांट की सौगात, वडोदरा में रखी आधारशिला। जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल गुजरात के वडोदरा में C-295 परिवहन विमान निर्माण सुविधा की आधारशिला रखी। रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों ने कहा कि भारतीय वायुसेना के लिए C-295 परिवहन विमान का निर्माण टाटा एयरबेस द्वारा किया जाएगा। रक्षा सचिव अरमान गिरधर के अनुसार 40 विमान बनाने के अलावा वडोदरा में यह सुविधा वायुसेना की आवश्यकताओं और निर्यात के लिए अतिरिक्त विमानों का निर्माण करेगी। बड़ी खबर में देखिए, 13 साल बाद वर्ल्ड कप में अफ्रीका से हारा भारत। मिलर मार्करम की हाफ सेंचुरी, सूर्या की मेहनत पर फील्डर्स ने फन फेरा। जी देखिए, T20 वर्ल्ड कप के ग्रुप टू के अहम मुकाबले में साउथ अफ्रीका ने टीम इंडिया को 5 विकेट से हरा दिया। रविवार को खेले गए इस मैच में रोहित शर्मा ने टॉस जीता और पहले बैटिंग का फैसला किया। भारत ने 20 ओवर में 9 विकेट खोकर 133 रन बनाए। वहीं सूर्य कुमार यादव ने 68 रन की बड़ी पारी खेली। के जवाब में साउथ अफ्रीका ने 19.4 ओवर में ही 5 विकेट खोकर टारगेट हासिल कर लिया। एडम मार्करम और डेविड मिलर ने हाफ सेंचुरी लगाई। T20 वर्ल्ड कप में 2009 के बाद पहला मौका है जब साउथ अफ्रीका ने टीम इंडिया को हराया है। देखिए, बिहार के गांवों में छठ के बाद लगेगी सोलर स्ट्रीट लाइटें। जहाँ देखिए, छठ पूजा के बाद गांवों में सोलर स्ट्रीट लाइट लगनी शुरू हो जाएगी। किस एजेंसी को कौन से प्रखंड में स्ट्रीट लाइट लगानी है, इसका निर्धारण जिलों की ओर से कर दिया गया है। वही देखिए, प्रखंड आवंटन के बाद अब जिला पंचायती राज पदाधिकारी को निर्देश दिया गया है कि संबंधित एजेंसी से एकरनामा करके प्रक्रिया तेज करे ताकि स्ट्रीट लाइट लगाने का कार्य शुरू हो सके। वही देखिए, मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना के अंतर्गत संबंधित एजेंसी और जिला के पंचायत राज पदाधिकारी के बीच एकरनामा होना है। इसको लेकर पंचायती राज विभाग ने जिलों को दिशा निर्देश जारी कर दिया है। विभागीय पदाधिकारी बताते हैं कि सभी प्रखंडों में लाइट लगाने के लिए एजेंसी तय हो गई है। साथ ही देखिए, आपको बता दें कि 10-10 लाइट प्रत्येक वार्ड में लगाई जाएगी। वहीं 2 वर्षों में सभी वार्डों में लाइट लगाने का लक्ष्य पूरा किया जाएगा। वहीं देखिए, 5 वर्षों तक रखरखाव का जिम्मा एजेंसी को दिया गया है। में देखिए, इंटेलिजेंस ब्यूरो में 10वीं पास के लिए 1671 पदों की भर्ती, जाने आवेदन व चयन समेत खास बातें। जी देखिए, भारत सरकार के गृह मंत्रालय के तहत आने वाले इंटेलिजेंस ब्यूरो ने अपने सब्सिडियरी इंटेलिजेंस ब्यूरो में सिक्योरिटी असिस्टेंट और मल्टीटास्किंग स्टाफ के 1671 पदों पर भर्ती निकाली है, जिसके लिए आवेदन आप 5 नवम्बर से कर सकते हैं। रिक्त पदों में सिक्योरिटी असिस्टेंट और एग्जीक्यूटिव के 15 से 21 और MTS के 150 पद है। वही देखिए, इच्छुक उम्मीदवार 25 नवम्बर 2022 तक कर सकेंगे। आवेदन करने के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट MHA.government.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। वह देखिए, योग्यता की बात करें तो किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास होना अनिवार्य है। वह देखिए, आयु सीमा की बात करें तो 18 से 25 वर्ष के बीच होना चाहिए। वहीं ST व SC वर्ग को अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष और OBC को 3 वर्ष की छूट मिलेगी। आज के लिए बस इतना ही। इसी तरह बिहार के डेली न्यूज देखने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।